मेरे प्यारे दोस्तों, आज डियर कमल चैनल में देखने को मिलेगा कि दूध से कैसे घी निकलता है। आप लोग देखिए, ये 3 लीटर दूध से ये जो मलाई निकल रहा है, उस मलाई को हम लोग मतलब उसको एक कटोरे में रखते हैं और कटोरे के रखने के बाद हर रोज ऐसे मलाई निकालकर 20 दिन के बाद उसको हम घी में बदल सकते हैं। ये देखिए, वो जो मलाई आप लोग देखा, उस मलाई को हम एक एक दिन में निकालकर इतने जमा किए हैं और उसको लेकर अभी हम ग्राइंडिंग करेंगे। मतलब जमा हुआ ये जो मक्खन है, उसको हम ग्राइंडर मशीन में अभी डाल रहे हैं। ये देखिए कैसे पीस पीस करके निकल रहा है और उसको ग्राइंडिंग मशीन में डालने के बाद उसमें थोड़ा पानी मिलाया जाता है और ये पानी मिलाया, अभी ग्राइंडिंग मशीन ऑन कर दिया। देखिए, अभी ये ग्राइंडर हो जाने के बाद उसमें से मक्खन निकलेगा। आप लोग देखेंगे कि मलाई से कैसे मक्खन निकलता है। ये देखिए, ये सब मलाई रखे हुए हैं और उस मलाई को इस ग्राइंडिंग मशीन से ग्राइंडिंग किया जा रहा है। ये देखिए मलाई से कैसे मक्खन निकल रहा है। तो आप लोग अभी देखो, ये जो पीला वाला मलाई कैसे ग्राइंडिंग हो जाने के बाद सफेद मक्खन से परिवर्तन हो जाता है और ये लास्ट बचा हुआ है, उसको ग्राइंडिंग हम कर रहे हैं। देखो, ये देखिए, ये सारे मक्खन को कैसे आइस डालकर मिलाया जाता है। उसमें अगर आप थोड़ा बहुत आइस डाल देंगे तो सारे मक्खन एक जगह हो जाता है, ताकि आप उसको जब आसानी से निकाल सकते हैं। और देखिए कैसे मक्खन निकल रहा है। मक्खन तो अलग हो गया, लेकिन जो आइस मिलाया गया था और उसमें जो पानी था, वो पानी कैसे दही बन गया है। उस दही को अगर आप गर्म कर देंगे तो उसमें से छेना निकल आएगा। ये देखिए मक्खन पूरा अलग हो गया। देखिए, इस मक्खन को अभी हम गर्म करेंगे, घी निकालेंगे और ये दही। अभी उस मक्खन को हम गैस के ऊपर गर्म करेंगे। देखिए, मक्खन अभी गर्म हो रहा है, धीरे धीरे कैसे पीला रंग हो रहा है, मतलब उसमें से धीरे धीरे घी निकल रहा है। आप लोग देखिए, देखो कैसे पीला रंग हो गया है। उसको गैस में पूरा आधा घंटा गरम करने के बाद वो पूरा पीला हो जाएगा और ये जो सफेद रंग झाग पूरा कंप्लीटली पीला हो जाएगा। उसके बाद उसको गैस से उतारना। ये देखिए कैसे ये सफेद रंग का झाग धीरे धीरे येलो बन रहा है, पीला बन रहा है, मतलब ये पूरा घी बन जा रहा है। और वो जब कंप्लीटली घी बन जाएगा, आप लोग देखोगे ये पीला रंग भी धीरे धीरे लाल रंग से परिवर्तन हो जाएगा और वो पूरा घी बन जाएगा। ये देखिए कैसे पीला रंग से लाल रंग बन गया है, कैसे उबल रहा है। आप लोग भी इस तरीके से दूध से घी निकाल सकते हैं। आसानी से आप लोग घर में घी बना सकते हैं। देखो, अभी घी को छान रहे हैं छलनी से। देखिए कैसे छान रहे हैं। 3 लीटर दूध 20 दिन के बाद, मतलब 60 लीटर दूध से जो मक्खन निकला था, उसमें से 1.5 लीटर का घी निकलता है। ये देखिए कैसे घी लाल दिख रहा है और उस घी से जो झाग निकल रहा है, उसको भी
आप खा सकते हैं, उसमें शक्कर डाल के, वो बहुत टेस्टी होता है। और घी को तो आप लोग जानते हैं कैसे व्यवहार करते हैं घर में, तो आज दूध से कैसे घी निकला जाता है आप लोग देखा। बस लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।